हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु हेल्थ हंगर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी, वो भी देसी स्टाइल में। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर प्रेशर कुकर रखेंगे। उसके बाद हम उसमें लगभग 100 ml सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। जब खड़े मसाले हमारे चटकने लगेंगे तो हम उसमें सूखी लाल मिर्च 3 से 4 डाल देंगे बीच में से तोड़कर, और इसको अच्छे से चलाएंगे। जब लाल मिर्च का कलर हल्का चेंज होगा तब तो हम इसमें दरदरा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरे मिर्चे का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाकर। जब पेस्ट भी हल्का पक जाएगा और कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें 15 से 16 लहसुन की कलियां डाल देंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। चिकन करी बनाने में हम कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, आराम से मसालों को भुनने देंगे ताकि जो इसका टेक्सचर है बनने के बाद चिकन करी का काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसमें 500 ग्राम प्याज ऐड करेंगे जो रफली हमने चॉप किया है, और इसको अच्छे से चलाएंगे। और उसके बाद हम इसे बार बार ढक कर पकाएंगे। अब इसको ढक कर हम पका रहे हैं। देखिए, हम इसमें 1 kg चिकन यूज़ कर रहे हैं चिकन करी के लिए। आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का पक गया है, इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो प्याज के मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें 2 खड़े लहसुन, जिसके हम पीछे से जो जड़ होती है उसको काट कर निकाल देंगे और उसको उसमें डाल देंगे। फिर से हम चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। चलाने के बाद उसके बाद हम गैस का ढक्कन बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिसमें 3 से 4 सीटी दिलाएंगे हम कुकर की। आप भी जानते हैं देसी स्टाइल में चिकन बना रहे हैं तो इसको आराम से पकने देंगे। एकदम मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुकर में पकाएंगे, 3 से 4 सीटी दिलाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए और उसके पीसेस टूटे भी ना। अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन के जो प्याज के मसाले थे वो पूरी तरह से प्रेशर कुकर की सीटी लगने की वजह से गल गए हैं। हमें इसमें वाटर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है करी के लिए। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसको चलाएंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्दी को पकने देंगे। इसको हम ढक कर बार बार पकाएंगे। अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे 3 छोटे चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से चिकन को चलाइएगा ताकि इसके पीसेस टूटे ना।
और इसके ढक्कन को ढककर लगाकर कुकर प्रेशर के हम फिर से पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे और हमारा चिकन करी देसी स्टाइल में पूरी तरह से तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।